अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। यासर गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं प्रिसेंट वन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत विला। आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आउटर एलिवेशन, जिसकी बहुत शानदार है। इसका कंप्लीट साइट टूर करेंगे, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसको किया गया। आप अभी इसकी आउटर एलिवेशन देख सकते हैं, जिसका फसाद जो है वो वाइट कलर्स के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया। अभी आप इसका फ्रंट रैप देख सकते हैं। यहाँ से अभी आपको मैं आउटर जो इसका एक्सटीरियर लॉन है, एक्सटीरियर लॉन की आप लुक देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही आपको आपके गैरेज एरिया की मैं आप लुक दिखाता हूँ। डिमांड जानने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप डिमांड देख सकते हैं। जी, तो ये इसका गैरेज का साइज़ है। गैरेज में आप एक बड़ी गाड़ी और एक छोटी गाड़ी इजिली पार्क कर सकते हैं। टाइल वर्क यहाँ पर बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ ही आपको बिल्कुल एक स्पेस दी जाती है, गैलरी एरिया यहाँ पर आपको मिल रहा है, जहाँ पर आप अपनी बाइक्स या यूटिलिटीज़ पार्क कर सकते हैं। इसका मेन रिसेप्शन डोर है। उससे पहले मैं आपको इसका साइड कॉरिडोर जो है वो दिखाता हूँ, जो इसकी वॉशिंग एरिया की तरफ लीड करता है। साथ में मैं आपको बताता जाता हूँ कि ये जो डोर यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये डबल यूनिट हाउस है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इसको सेपरेट कर सकते हैं। साथ आगे चलते हैं तो यहाँ से आपको रूफटॉप की एंट्रेंस मिलती है, या फिर रूफटॉप की एंट्रेंस है। साथ ही किचन के लिए एंट्रेंस आपको यहाँ से दी गई है, कॉरिडोर के अंदर से ही। आगे से आपको सर्वेंट रूम और जो वॉशिंग एरिया है वो आपको मिलता है। जी, तो ये इसका वॉशिंग एरिया है। वॉशिंग एरिया के साथ आपको सर्वेंट क्वार्टर मिल रहा है। काफ़ी बड़ी स्पेस वॉशिंग एरिया के अंदर आपको मिल रही है। अब हम चलते हैं घर के अंदर और आपको तमाम डिटेल्स के साथ इस घर का टूर कराते हैं। जी, तो मैं वापस गैरेज के अंदर आ चुका हूँ। गैरेज की स्पेस आपको मैंने दिखाई है। हम चलते हैं घर के अंदर और घर की तमाम डिटेल्स के साथ मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाते हैं। ये अब आ चुके हैं हम इसके मेन रिसेप्शन डोर पर। आप यहाँ पर इसका साइज़ देख सकते हैं, 8 फुट हाइटेड डोर है ये। और साथ में जो इसकी यहाँ पर वुड यूज़ की गई है, काफ़ी अच्छी हार्ड वुड जो है यहाँ पर यूज़ की गई है, सॉलिड वुड। साथ में आपको यहाँ पर लाइट्स मिल रही हैं और जो सीलिंग वर्क है आप देख सकते हैं। अंदर एंटर होते साथ ही जो आपको लुक मिलेगी वो वाइट और ब्राउन कलर्स के अंदर आपको मिल रही है। लॉबी एरिया की साइज़ आप देख सकते हैं। टाइल वर्क ऑलमोस्ट सारे घर के अंदर सेम किया गया। यहाँ से आपको राइट साइड पर दिखाऊँ तो डबल यूनिट घर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सेपरेट एरिया मिल रहा है, जहाँ से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर आपको मिल रहा है इसका ड्राइंग रूम एरिया। ड्राइंग रूम को दो जो है वो एक्सेस दी गई हैं, एक आपके ड्राइंग रूम टीवी लाउंज से और एक जो है लॉबी एरिया से। ड्राइंग रूम बहुत बड़े साइज़ के अंदर डिज़ाइन किया गया। यहाँ से आपको जो विंडो है उसके ऊपर सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल की गई हैं और ऊपर जो सीलिंग वर्क है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं वार्म लाइट्स के अंदर यहाँ पर इसकी फॉर सीलिंग के अंदर जो लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही हैं। ड्राइंग रूम दिखाया, अब हम इसके लॉबी एरिया के अंदर आ चुके हैं। तो ये है इसका टीवी लाउंज एरिया। टीवी लाउंज एरिया आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। मीडिया वॉल यहाँ पर अभी नहीं बनाई गई। उसके साथ यहाँ पर आपको ग्लास आर्ट वर्क जो है वो मिल रहा है, आप ये भी देख सकते हैं। सीलिंग वर्क आपको दिखाऊँ तो क्लासी सिंपल यहाँ पर डिज़ाइन रखा गया, काम ज़्यादा नहीं किया गया सीलिंग वर्क के ऊपर। यहाँ से आपको पाउडर रूम, जो कि बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम के सामने आपको पाउडर रूम मिल रहा है। पाउडर रूम आप देख सकते हैं कि पोर्टा की फिटिंग्स यहाँ पर की गई हैं। सैनिटरी वर्क सारा पोर्टा का किया गया है। ये आपका कमोड है और साथ में आपको जो वैनिटी सेटअप है वो मिल रहा है। पाउडर रूम को बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रे और वाइट कलर के अंदर इसकी जो कलर स्कीम है वो रखी गई है। ये तो ये इसका टीवी लाउंज था। टीवी लाउंज के बिल्कुल ही सामने आपको जो है किचन मिल रहा है, जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। ग्लास डोर यहाँ पर बनाकर दिया गया, आप इसको बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। किचन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया नाजरीन। ये भी आप देख सकते हैं कि क्रीम कलर और ब्राउन कलर के अंदर इसकी जो कलर स्कीमिंग रखी गई है। डिश वॉशिंग एरिया और जो ये आप इसका स्टोव देख सकते हैं, स्टोव और एग्जॉस्ट हुड जो है नैस गैस कंपनी का यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। कैबिनेट स्पेस आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है। ड्रॉर्स में आपको ओपन करके दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ड्रॉर्स की स्पेस अच्छी मिल रही है। किचन को बहुत अच्छा स्पेस यूटिलाइज़ की गई है इसकी। यहाँ पर आपको अपने रेफ्रिजरेटर, जो भी आप अप्लाइंसेज है वो यहाँ पर रख सकते हैं। एक एंट्रेंस, जैसा कि मैंने आपको बाहर कॉरिडोर से दिखाया था, यहाँ से आपको एंट्रेंस दी गई है आपके शेफ़ के लिए, आपके सर्वेंट के लिए। ये तो ये इसका टीवी लाउंज था। आगे चलते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम्स आपको मिल रहे हैं। बेडरूम से बाहर आपको स्पेस देख सकते हैं। यहाँ से अब हम चलेंगे इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। तो ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। यहाँ से आपको एक अच्छा साइज़ जो है वो नज़र आएगा, बेडरूम नंबर वन। और इसकी वार्डरोब जो है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पर आपको मिल रही है। स्पेस आप देख सकते हैं। टाइल वर्क यहाँ पर बड़ी टाइल यूज़ की गई है। ऊपर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं सिंपल यहाँ पर रखा गया। जी, तो इसके अटैच वॉशरूम के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ से आपको कमोड एरिया, टाइल वर्क आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। कैबिन बनाकर दिया गया आपके शॉवर एरिया के लिए। जी, तो ये आप देख सकते हैं पोर्टा की फिटिंग्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं। ये आपका वैनिटी सेटअप है। जी, तो आपने अटैच वॉशरूम देखा। अटैच वॉशरूम से हम अब इसके सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम का साइज़ आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छा साइज़, स्पेशियस साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। वार्डरोब इसकी थोड़ी सी छोटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइज़ ओवरऑल, अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप अपनी स्क्रीन पर इसका साइज़ जो है वो देख सकते हैं, जायज़ा आप कर सकते हैं। सेफ्टी ग्रिल्स यहाँ पर भी इंस्टॉल की गई हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। साथ में अटैच वॉशरूम है। अटैच वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर जो टाइल यूज़ की गई है बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है।
यहाँ पे आपको कमोड मिल रहा है और साथ में शॉवर एरिया भी आप देख सकते हैं। टाइल वर्क बहुत ही अच्छा किया गया, रिफ्लेक्टिव टाइल्स हैं। सामने आप वैनिटी सेटअप के ऊपर अपना लाइट्स देख सकते हैं, फैंसी लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। और ये आपका वैनिटी सेटअप है, ग्राउंड फ्लोर का जो टूर है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसके चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाकर आपको तमाम डिटेल के साथ इसका टूर कराते हैं। जी व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से आपको स्टेयर्स की एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही आपको एक स्पेस दी गई है जिसको आप एज अ स्टोर रूम यूज़ कर सकते हैं या आप प्रेयर रूम बनाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। या आपको एक डोर दिया गया जो कि आप सेपरेट कर सकते हैं अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए, क्योंकि एक डबल यूनिट हाउस की टोटल बनाया गया। एंट्रेंस के बिल्कुल साथ ही आपको फ्रंट पर एक बेडरूम मिलता है जो कि आपका फ्रंट लुक पर आपको आता है। ये आप इसका मास्टर बेडरूम है, ये आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम का साइज़। इसकी बाहर से आपको व्यू जो मिलेगा वो आपकी स्ट्रीट का होगा और जिना एवेन्यू पर जो बिल्डिंग्स है वहाँ से आपको लुक देखने को मिलेगा। ये इसका साइज़ है, आप देख सकते हैं नीचे टाइल वर्क जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, पूरे घर के अंदर सेम टाइल वर्क यूज़ किया गया। ये जी इसकी वार्डरोब्स है, यहाँ पर वार्डरोब्स की स्पेस आपको अच्छी मिल रही है। साथ में अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर टाइल वर्क उससे भी खूबसूरत आपको मिल रहा है। वॉशरूम के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया गया, सारे वॉशरूम से हैं, हालांकि पाउडर रूम जो है उसको भी काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया। यहाँ पर इसकी टाइल वर्क है और ऊपर आप जो इसकी लाइट इंस्टॉल की गई है वैनिटी सेटअप के लिए वो अच्छी लग रही है। यहाँ पर तीन बेडरूम जो है मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के टीवी लाउंज और किचन की तरफ। ये जी इसका टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज आप देख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस टीवी लाउंज मिल रहा है। जिसके साथ ऊपर सीलिंग वर्क की बात करें तो हैंगिंग लैंप्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और साथ में फ़ैन इंस्टॉल्ड है। सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं कि स्क्वायर के अंदर यहाँ पर इसकी जो फॉर सीलिंग के अंदर लाइट्स हैं वो इंस्टॉल की गई हैं। साथ में आपको वेंटी जो है वेंटिलेशन के लिए, एयर फ्लो के लिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल रही है, विंडो मिल रही है। ये इसका टोटल एरिया है आपके टीवी लाउंज के लिए। ये तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के लिए किचन जो यहाँ पर बनाया गया, बिल्कुल सेम आपको किचन ग्राउंड फ्लोर जैसा बनाकर दिया गया। यहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग बिल्कुल वैसी है जो यहाँ पर अप्लाइंसेज यूज़ की गई हैं। नेस्केस कंपनी का ही स्टोव आपको मिल रहा है और एग्जॉस्ट मिल रहा है, जैसा ग्राउंड फ्लोर पर किचन बनाया गया था वैसा ही यहाँ पर आपको मिल रहा है। स्पेस यहाँ पर भी आपको दी गई है, यहाँ पर आप रेफ्रिजरेटर और अपनी तमाम अप्लाइंसेज जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। टीवी लाउंज का साइज़ आप देख लें एक बार। अब रह गए हैं इसके दो बेडरूम्स, यहाँ पर आपको टोटल तीन बेडरूम्स मिल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। टोटल घर की बात करें तो पांच बेडरूम्स इसके अंदर आपको मिल रहे हैं। ये जी इसका फोर्थ बेडरूम है, फोर्थ बेडरूम में आ चुके हैं। टाइल वर्क यहाँ पर भी सेम किया गया, ऊपर सीलिंग वर्क जो है वो एल शेप के अंदर यहाँ पर आपको सीलिंग वर्क मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और साथ में आपकी वार्डरोब्स हैं, वार्डरोब्स का साइज़ काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये जी इसका साइज़ है आप देख सकते हैं। अब इसके चलते हैं जो अटैच वाशरूम है, अटैच वाशरूम के अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइल वर्क यूज़ किया गया। कैबिन यहाँ पर भी बनाया गया आपके शॉवर एरिया के लिए, कमोड यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, शॉवर एरिया के लिए कैबिन आपको मिल रहा है और साथ ही आपकी जो वैनिटी सेटअप है वो भी आप देख सकते हैं। पोर्टा की ही फिटिंग्स यहाँ पर आपको करके दी गई हैं। डिमांड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। ये जी इसका लास्ट बेडरूम है, इसका साइज़ थोड़ा सा आपको छोटा लगेगा लेकिन एक स्पेशियस साइज़ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। सीलिंग वर्क यहाँ पर आपको एल शेप के अंदर ही दिया गया, फॉर सीलिंग डिज़ाइन आपने देखा। अब यहाँ पर आप इसका साइज़ देख सकते हैं, टाइल वर्क वैसा ही आपको मिल रहा है। ये जी इसकी वार्डरोब्स हैं और अटैच वॉशरूम, हर वॉशरूम की लुक डिफरेंट है और खूबसूरत से खूबसूरत है। ये आप इसकी कमोड का स्पेस देख सकते हैं और साथ में आपका शॉवर एरिया भी आपको नज़र आ रहा होगा। वैनिटी सेटअप, ऊपर लाइट्स हैं वो इसकी खूबसूरती में और इजाफा कर रही हैं। आप देख सकते हैं जो टाइल्स के अंदर रिफ्लेक्शन आ रही है वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रही है, एक ब्राइट लुक यहाँ पर आपको हर वॉशरूम के अंदर मिल रही है। नाज़रीन ये था आज हमारा इनसाइड टूर 250 स्क्वायर यार्ड्स विला का। अगर आप इस तरह का विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, आप ये विला बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी रब्ता कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ टेरेस, जो इसकी बालकनी एरिया की स्पेस दी गई है वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये इसकी टेरेस की स्पेस है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी स्पेस आपको टेरेस के ऊपर मिल रही है। यहाँ पर आप सिटिंग कर सकते हैं और फ्रेश एयर इन्जॉय कर सकते हैं। इन्वायरमेंट बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पर आपको मिलता है, सिक्योरिटी 24/7, कोई इश्यूज़ आपको यहाँ पर पेश नहीं आएंगे। आप ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रीट व्यू है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्ट्रीट व्यू आपने देखा, अगर आप इस तरह का विला बाय करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी रब्ता कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगर आपको ये विला पसंद आया है और आप इसको बाय करना चाहते हैं या आप इस तरह की कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी एक्सचेंज के पैनल से रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर्स नज़र आ रहे होंगे। प्रॉपर्टी एक्सचेंज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आपको तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। इसी के साथ यासिर फूर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।